फिल्म की शुरुआत में हम एक ग्लास हाउस को देखते हैं जो किसी जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि इस ग्लास हाउस को पेड़ पौधे उगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जिसके बाद हम तीन लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम बी, डेजी और ईव होते हैं, जो एक मृत व्यक्ति की खाल उसके शरीर से निकाल रही होती है, और इसी तरह अंत में ये तीनों उसके शरीर से पूरी खाल निकाल देते हैं, जिसके बाद वो उसके अंदरूनी अंगों को भी निकाल कर उस आदमी के मृत शरीर को दफना देते हैं। वहाँ इन तीनों ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहना होता है, जिसे देखकर हम ये समझ पाते कि उनके इलाके में कोई नई महामारी आई हुई है, जिसकी वजह से वो तीनों जब भी ग्लास हाउस से बाहर निकलती हैं तो इस मास्क को जरूर पहनती है। अब आगे वो सभी ग्लास हाउस में जाते हैं, जहां हम एक लड़के नेम गेब को देखते हैं। दरअसल गेब की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो ज्यादातर ग्लास हाउस के अंदर ही रहता है। वहीं वो लड़कियां उस मृत व्यक्ति की हड्डियों को एक बुजुर्ग महिला के पास ले जाती है, जो इस ग्लास हाउस की मुखिया होती है, जिसे ये सभी मदर कहकर पुकारते हैं। फिर वो सभी मदर को उस आदमी के शरीर के अलग अलग हड्डियां देते हैं, जिसे लेकर मदर किसी तरह की तांत्रिक रिचुअल करती है, जिससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके, जिसके बाद वो सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं सब में ईव उस व्यक्ति के कपड़े का टुकड़ा छिपा लेती है, जिसे वो बाद में एक डिब्बे में डाल देती है, और अब हम देखते हैं कि उस डिब्बे में ऐसे बहुत से लोगों के कपड़े के टुकड़े और उनकी चीजें होती है, यानी कि ये सभी काफी लोगों को मार चुकी है, जिसके बाद ईव उस डिब्बे को जमीन में गाड़ देती है। अब वहीं इधर रात में मदर डेजी को सुला ही रही होती है, जबकि बी मदर को अपना मांस दिखाती है क्योंकि उसमें कोई खराबी आ गई थी। दरअसल वो जब बाहर गई थी तो उसे बाहर के वातावरण की दुर्गंध आ रही थी, जिस पर मदर कहती कि यदि ऐसा फिर से हो तो वो तुरंत ही ग्लास हाउस में वापस आ जाए, क्योंकि ये उसकी तबीयत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, और ऐसा कहकर वो उस मांस को ठीक कर देती है। अब अगले दिन बी शिकार के लिए वापस से जंगल में जाती है, जहाँ कुछ ही दूर चलने पर उसे झाड़ियों से किसी शख्स की उसकी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे भी अलर्ट होकर अपनी बंदूक निकाल लेती है, और तभी उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जो उसे ही पकड़ने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर भी उस आदमी पर गोली चला देती है, जो गोली उसके कंधे पर लग जाती है, जिससे वो आदमी मरता तो नहीं लेकिन बेहोश हो जाता है। अब भी उस शख्स को ग्लास हाउस में ले आती है, जहां ईव जैसे ही उस आदमी की नब्ज को परखती है तो उसे पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है, जो देखकर वो बाकियों को इस बारे में बता देती है, जिस पर भी मदर से उस आदमी को छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन मदर बी की बात को नहीं मानती और उस आदमी को मार के उसके शरीर से सारा मांस निकालने का हुक्म देती है, लेकिन भी फिर भी मदर से काफी विनती करती है, जिसके कारण मदर बी की बात को मान ही लेती है। अब इसके बाद उस शख्स के शरीर में घाव को तलाशने लगती है, जहां उसे उसके पैर में एक बड़ा और गहरा घाव दिखाई देता है, जो सब इतना बड़ा घाव देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर किसने इसे इतना बड़ा घाव दिया होगा। तब मदर बताती कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है, और ऐसा कहकर मदर उसके घाव पर दवा लगा के उसे सील देती है। अब आगे हम रात का समय देखते हैं, जहां मदर गेब से मिलने के लिए उसके पास जाती है और उसे कहानी सुनाती है, जिसमें वो ये बताती कि इस ग्लास हाउस के बाहर काफी भयानक जानवर रहते हैं जो उसे मारने के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए गेब को इस ग्लास हाउस से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, जिसके बाद मदर गेब के पैरों को जंजीरों से बांध देती है ताकि वो रात में कहीं भाग न सके। वहीं दूसरे दिन वो आदमी के होश में आने पर वो उन सभी को देखकर काफी डर जाता है, इसलिए वो उनसे खुद को आजाद करने की विनती करता है, जिस पर भी उसे शांत करवा कर अपने बारे में बताती है, और तब तक बाकी लोग भी उसके पास आ जाते हैं जो उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम लूका बताता है। जो नाम सुनकर ईवा को एक बार तो लूका पर शक होता है, पर बाद में वो उसे अनदेखा कर देती है, पर तभी उन सभी को गेब की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। अब जैसे ही वो सभी वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गेब अपने पैरों में बंधी जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर ईव उसे शांत करके उसकी जंजीर को खोल देती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि बी धीरे धीरे लूका को पसंद करने लगी है, इसलिए वो ज्यादातर लूका के आसपास ही रहती है, जो
बाद ईव और गेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दरअसल गेब को लगता है कि लूका भी कोई जानवर है जो इस ग्लास हाउस में सभी को मारने के लिए आया है, और वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो कभी भी इस ग्लास हाउस के बाहर नहीं गया, जिस वजह से उसे बाकी इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं इस तरफ ईव बी को समझाती है कि उसे ऐसी किसी भी अजनबी के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते और हो सकता है कि उसकी वजह से हमारी जान पर खतरा आ जाए। लेकिन बी के ऊपर ईव की बात का कोई असर नहीं होता, इसलिए ईव गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद ईव लूका को ग्लास हाउस में एक जगह पर ले जाती है जहाँ की दीवारों में काफी सारे रंगीन चित्र बने होते हैं जो किसी व्यक्ति की कहानी को दर्शा रही होती है। लूका अब उन्हें देखकर काफी उत्सुक होते हुए बी से इसके पीछे का मतलब पूछता है। तब भी उसे बताते हैं कि ये चित्र जीसस क्राइस्ट के जीवन के बारे में जिसमें उनके परिवार को दिखाया गया है। वहीं धीरे धीरे लूका डेजी से भी काफी घुल मिल जाता है, क्योंकि डेजी एक छोटी बच्ची होती है इसलिए वो डेजी के साथ खेलना भी शुरू कर देता है, जो गेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि पहले गेब डेजी के साथ खेला करता था लेकिन लूका के आने के बाद से डेजी अपना ज्यादातर समय लूका के साथ खेलते हुए बिताती है। वहीं जब एक दिन वो सभी बाहर पौधों से फल और सब्जियां तोड़ रहे होते हैं तो ग्लास हाउस के अंदर गेब लूका के पास आता है जो एक खिलौने से खेल रहा होता है। अब गेब को देखकर लूका वो खिलौना उसे दे देता है, पर गेब को समझ नहीं आता कि उसके साथ खेलने कैसे है, जिस कारण वो काफी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही बाकी लोगों को गेब की आवाज सुनाई देती है तो वो सभी उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उसी दौरान गेब लूका पर हमला भी कर देता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाता, और तभी डेसी उसके हाथों को खोल देती है, जिसके बाद लूका गेब को संभालते हुए उसे शांत करवाता है। अब इस बात से बाकी लोग लूका से काफी प्रभावित होते हैं, जिसके बाद उसके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं, जिससे अब लूका भी उन सबके साथ परिवार की तरह रहने लगता है। वही इन सब में भी लूका को और भी ज्यादा पसंद करने लगती है, जिस दौरान मदर लूका के लिए भी एक मास्क बनाती है जिससे उसे बाहर जाने पर सांस लेने में आसानी हो, जिसके बाद अब लूका बी के साथ बाहर शिकार पर भी जाने लगता है। और फिर एक दिन बी जब शिकार पर होती है कि तभी उसके ऊपर एक जख्मी महिला हमला कर देती है, पर लूका सही समय पर आकर बी को उससे बचा लेता है, जिसके बाद वो लोग ग्लास हाउस में वापस आ जाते हैं। लेकिन ईव को अब भी लूका पर शक होता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ईव अपने डब्बे को जमीन से बाहर निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है, और तभी वहां पर लूका भी आ जाता है, जिसे देखते ही वे उस डिब्बे को वापस से बंद करके जमीन में गाड़ कर वहां से चली जाती है। पर इस सब में लूका उसके डिब्बे को देख लेता है और ईव के जाते ही वो उस डिब्बे को वापस से निकाल कर उसमें कुछ ढूंढने लगता है, जहां उसे एक लॉकेट भी मिलता है जिस पर दरअसल लूका ही लिखा होता है। अब उस लॉकेट के साथ उसे कपड़ों के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं, इसलिए वो उस लॉकेट और कपड़े के टुकड़े को अपने पास रख लेता है। इधर ईव मदर को बताती है कि उसे लूका पर शक है, जिस पर मदर कहती है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे लूका यहाँ पर किसी और ही मकसद से आया है, जिसके बाद फिर ईव वापस से उसी डिब्बे के पास आती है और उसमें वापस से कुछ ढूंढने लगती है। दरअसल ईव उस डिब्बे में उसी लॉकेट को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसके हिसाब से लूका मर चुका है और ये कोई बहरूपिया है जो उनके साथ रह रहा है। दरअसल मूवी में ऐसा बताया गया है कि एक नाम के दो शख्स नहीं हो सकते, जबकि इस शख्स ने अपना असली नाम बताकर खुद को लूका बताया था, जबकि असली लूका तो पहले ही मारा जा चुका है। और यदि ईव को वो लॉकेट मिल जाता जिस पर लूका लिखा है तो वो समझ जाती कि उनके साथ कोई बहरूपिया रह रहा है, जिसके बेसिस पर वो सभी शख्स को जान से मार देते हैं। पर उसने वक्त रहते ही लॉकेट को अपने पास रख लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं और लूका भी अब उन सभी की तरह वहां पर रहने लगता है। पर फिर एक दिन मदर लूका से उसकी असलियत के बारे में पूछती है, जिस पर भी मदर से गुस्सा हो जाती है और उसे ये सब ना करने के लिए कहती है, लेकिन मदर उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद लूका उन्हें अपने नाम का लॉकेट दिखाता है जो उसने ईव के डिब्बे से चुराया था, जो देखकर मदर को विश्वास हो जाता है कि लूका कोई बहरूपिया नहीं है। लेकिन ईव को अब भी उस पर शक होता है। वहीं एक दिन ये पता चलता है
कि बी प्रेग्नेंट है, जो पता चलते ही मदर और बी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन बी उन सभी से लड़कर लूका के साथ ही रहने का प्लान बना लेती है, जिस कारण ना चाहते हुए भी उन्हें बी का कहना मानना पड़ता है। दूसरी तरफ गेब के मन में लूका को लेकर काफी गुस्सा बढ़ जाता है, इसलिए वो जब भी लूका को देखता है तो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक दिन मदर उसे समझाती है कि अब लूका भी हम सभी की तरह है, इसलिए वो उस पर चिल्लाना बंद कर दे। फिर मदर उसे कहानी सुनाकर सुलाने के बाद वो आपस से अपने कमरे में चली जाती है, और अब अपने कमरे में पहुंचकर वो देखती है कि लूका उनके कमरे में बैठकर उनकी चीजों से खेल रहा है, जो बात मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे तुरंत उसके कमरे से चले जाने के लिए कहती है, जिस बात पर लूका उन पर हमला कर देता है। और अब यहाँ फाइनली मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है, जहाँ लूका मदर को ये बताता है कि उसने जानबूझकर अपने पैरों में घाव बनाया ताकि वो इस ग्लास हाउस में आ सके और यहाँ आने के बाद वो इस ग्लास हाउस में कब्जा कर सके। जो सुनकर मदर खुद को छुड़ाकर भागने की पहले कोशिश करती है, जिस पर लूका उनका गला दबाकर जान से मार देता है, जिसके बाद वो उनकी लाश को गेब के बिस्तर के बगल में रख देता है, जिससे बाकी लोगों का शक गेब पर जाए। वहीं अब अगले दिन जैसे ही गेब की आंखें खुलती है तो वो मदर को मरा हुआ पाता है, इसलिए वो चिल्लाकर सबको बुलाता है, पर यहाँ लूका सबको बताता है कि गेब ने मदर को मारा है, जो सुनकर गेब लूका पर ही हमला कर देता है। लेकिन बी और ईव किसी तरह से गेब को संभाल कर वापस से उसके हाथ पैर को बांध देती है। अब इसके बाद वो सभी मदर का अंतिम संस्कार करते हैं, जहां उन्हें भी बाकी लोगों की तरह जमीन में दफना दिया जाता है, जिसके बाद ग्लास हाउस की मुखिया ईव को बना दिया जाता है। दरअसल मदर को पहले ही शक हो गया था कि लूका कोई बहुरूपिया है, जिस वजह से उसने पहले ही ईव को अपने बाद ग्लास हाउस का मुखिया चुन लिया था, जिस बात से लूका को काफी गुस्सा आता है, पर वो ईव का कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो ईव को अपने प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश करता है। वहीं जब ये बात बी को पता चलती है तो वो लूका पर काफी गुस्सा होती है, पर ईव के मुखिया होने के कारण उसे ईव की बात माननी पड़ती है और अब ईव लूका के साथ रहने लगती है, जबकि बी अपने बच्चे को लेकर उसी के साथ खुश रहने लगती है। और इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इसमें हमें सोशल मैसेज दिया गया है कि किसी भी अनजान पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जब बाहर की दुनिया रहने के लिए सुरक्षित ना हो। वहीं मेरा मानना है कि इसकी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, जैसे मदर इस ग्लास की मालकिन कैसे बनी, या इस ग्लास हाउस को किसने बनवाया, वहीं ग्लास हाउस की असली ओनर्स के साथ क्या हुआ, और बाहर की दुनिया में आखिर ऐसा चल क्या रहा है जिस कारण उन्हें मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ता था, या फिर मूवी के प्रोड्यूसर्स उन लोगों की मौत की वजह दिखा सकते थे जिनके सामान को ईव ने अपने डिब्बे में जमा किया था। और वहीं इस मूवी के विजुअल्स काफी खूबसूरत होने के बावजूद इसकी कहानी थोड़ी कमजोर है, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसकी कहानी को समझाने के लिए, और आशा है कि आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।